welcome to my class in microsoft excel program there are number of lookup and reference functions given to us here a list of all the lookup and reference functions is given to you all functions listed here are discussed in separate video lectures let us start इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिल्टर फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट ट्वेल्व लेट्स मूव ऑन टू द फिल्टर फंक्शन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें कुछ डेटा की इनपुट्स दी गई हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स उन्होंने ऑप्टेन किए हैं वो फिगर्स दी गई हैं इस जगह के ऊपर मुझे एवरेज को कैलकुलेट करना है इसके बाद मुझे मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है उस स्टूडेंट के मार्क्स निकालो जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हों इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशंस दी गई हैं एक कंडीशन के अंदर इंग्लिश के मार्क्स हैं दूसरी कंडीशन के अंदर अकाउंट्स के मार्क्स हैं और तीसरी कंडीशन के अंदर हमें एवरेज दी गई है हमें इनके मार्क्स को कंसीडर करते हुए डेटा को फिल्टर करना है तो सबसे पहले मैं एवरेज फंक्शन को यहां पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं टू एवरेज मैंने स्टूडेंट की रेंज के ये कंप्लीट के मार्क्स यहां पर दे दिए पेरेंथिस क्लोज आई फिल हैंडल को लेके मैंने उसको क्लिक कर दिया यहां पर मेरे पास सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आ गए अब मुझे फिल्टर फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है इन कंडीशंस को मीट अप करते हुए तो सबसे पहले मैं इस हेडर को कॉपी कर लेता हूं स्टूडेंट सेल के नीचे मैं फिल्टर फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा टू फिल्टर पेरेंथीसिस स्टार्ट द फर्स्ट आर्गूमेंट इज एरे दिस इज माई कंप्लीट एरे अब मुझे तीन कंडीशंस को टेकअप करना है तो मैंने पेरेंथीसिस को स्टार्ट कर दिया द फर्स्ट रिलेट्स टू इंग्लिश मैंने इंग्लिश की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव पेरेंथीसिस क्लोज क्योंकि मुझे ये तीनों कंडीशन को इंप्लीमेंट करना है सो आई विल मेक यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर पेरेंथीसिस स्टार्ट सेकेंड कंडीशन है अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने अकाउंट सब्जेक्ट के कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया इस केस के अंदर हमें कंडीशन दी गई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवेंटी आई क्लोज पेरेंथिस अगेन आई मेक यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर पेरेंथेसिस स्टार्ट नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी एवरेज तो मैंने ये एवरेज की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी आई क्लोज पेरेंथेसिस आई क्लोज फाइनल पेरेंथेसिस फॉर फिल्टर फंक्शन आई प्रेसेंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे पास दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहां पर फिल्टर होकर आ गया जो कि सारी कंडीशंस को मीट अप करता है आप देख सकते हैं एस फाइव यहाँ पर इंग्लिश के अंदर इसके मार्क्स सेवेंटी फाइव से ज्यादा हैं, अकाउंट्स के अंदर इसके मार्क्स सेवेंटी से ज्यादा हैं और एवरेज 60 से ज्यादा है सिमिलरली आप एस नाइन के रिजल्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को इस जगह पर यूज किया है मैं उसे कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर नीचे पेस्ट कर रहा हूं नाउ दिस फंक्शन विल बी वेरी मच विजिबल टू यू स्टूडेंट इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को फिल्टर फंक्शन के अंदर हैंडल कर सकते हैं आई होप दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी very easy to you now. Thank you very much.